नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों कक्षा चार और पाँच गणित विषय के प्रयास टू का ब्रिज कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर पंद्रह सोलह और सत्रह आज हम हल करने वाले हैं तो आइए शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर पंद्रह कार्यपत्रक नंबर पंद्रह दक्षता है घटाव की समझ पैदा करना यानी आज हम हाँ क्या सीखेंगे भाई बाकी करना सीखेंगे घटाना सीखेंगे घटाव यानी बाकी करना सीखेंगे तो चलिए पहला सवाल है संख्या रेखा की मदद से घटाइए आपके बिल्कुल पेज नंबर पंद्रह पर लिखा हुआ होगा संख्या रेखा की मदद से घटाना यानी ये संख्या रेखा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जिस तरह से बनी हुई है पैंतीस से लेकर पैंतालीस तक इसके ऊपर अपने को ये वाला बाकी घटाव करना है तैयलीस में से छः घटाने कितने भाई फोर्टी थ्री में से छः घटाने हैं तो चलिए तेयलिस में से छः कैसे घटेंगे अपन यहाँ पर तैयलीस पे ये मेढक का चित्र बना हुआ है कितने पर भाई तैयारी पर यहाँ से कितनी बार कूदेंगे छः बार छः घटाने हैं तो छह बार कूदेंगे एक दो तीन चार पाँच छः कहाँ पहुँच गए भाई सैंतीस पे यानी तेयलीस में से छह घट जाएंगे तो पीछे कितने बच जाएंगे भाई छैतीस जैसे यहां पर ये भरा हुआ है तो अगले सवाल इसके जैसे हैं जो भरे हुए नहीं हैं उनको अपने को हल करना है तो चलिए दूसरी लाइन के अंदर बिल्कुल आपको दिख रही होगी लाइन और ये संख्या रेखा है इस पर अट्ठाईस में से पांच घटाने कितने भाई अट्ठाईस में से पांच घटाने हैं तो चलिए 28 में से पांच को घटाते हैं सबसे पहले आप देख रहे हैं यहां अट्ठाईस पर मेडक बना दिया है और इसको पांच बार को एक दो तीन चार पाँच कितने पर पहुंचे तेईस पर तो यहाँ अपना आंसर है वो क्या आ जाएगा तेईस आ जाएगा यानी अट्ठाईस में से पाँच घटने पर पीछे तेईस बचते हैं तो इस तरह से आप संख्या रेखा पर घटाना सीख सकते हैं अगली लाइन में यहाँ पर अपना जो घटाव दिया गया वो दिया गया है चौवन में से छः घटाने कितने भाई चौवन में से छः घटाने हैं संख्या रेखा यहाँ पर अड़तालीस से लेकर अट्ठावन तक की बनी हुई है अपन ने मेढक को कितने पर रखा है चौवन पे रखा है अब कितनी बार को दाएंगे भाई घटाने छः है तो छः बार को दाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः कितने पर पहुंच गया अड़तालीस पे पहुंच गया तो यहाँ पर अपना आ जाएगा वो फोर्टी एट यानी अड़तालीस आ जाएगा चौवन में से छः घटने पर पीछे अड़तालीस बचते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर अगला है संख्या रेखा पर ग्यारह घटाने कितने भाई सैंतीस में से ग्यारह घटाने हैं तो चलिए सैंतीस में से ग्यारह घटाने हैं तो यहाँ पर सॉरी बत्तीस में से बत्तीस में से ग्यारह घटाने यहाँ मेडक को अपने किस पर रखेंगे बत्तीस पे रखेंगे और ग्यारह बार कूदेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह इस तरह से बिल्कुल अपन किस पर पहुँच जाएंगे भाई इक्कीस पर तो यहां पर आपको कोष्टक में 21 भर देना है यानी 32 में से 11 घटने पर 21 सेच बचते हैं इस तरह से आपको वर्क वर्कशीट में अपनी काम करना है अगला अपने को घटाना है वो है नाइन्टी एट में, में से आठ है ठीक है तो शुरू कहाँ से करेंगे मेडक कितने पर है भाई नाइनटी एट पर है शुरू यहाँ से करेंगे और कितनी बार कूदेंगे आठ पर जितना घटाव है उतनी बार कूदेंगे आठ का घटाव है आठ बार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ कितने पर पहुँचे भाई नब्बे पर पहुँचे तो ये अपना आंसर क्या आ जाएगा नब्बे आ जाएगा यानी अंठानवे में से आठ जाने पर पीछे नब्बे बजते हैं तो इस तरह से ये जो सवाल है इनको हल करना था तो ये था अपना वर्कबुक नंबर जो कार्यपत्रक नंबर था पंद्रह अब अपन आगे बढ़ेंगे कार्यपत्रक सोलह में उसमें क्या करना है उसके बारे में जानेंगे चलिए कार्यपत्रक नंबर सोलह को हल करते हैं इसमें आप क्या सीखने वाले देखिए दक्षता का मतलब होता है इसके इससे आप में क्या विकसित होगा क्या एबिलिटी आप में विकसित होगी इकाई से इकाई व दाही के जोड़ व घटाव की समझ बना सकेंगे यानी यहाँ पर आपको हासिल वाली जोड़ है और हासिल वाला घटाव है वो वो सीखने को मिलेगा तो चलिए हल कीजिए पहला सवाल सबसे पहले यहाँ पर जोड़ करके दिखाई गई है यहाँ इकाई लिखा है यानी इस लाइन में इकाई है और इस लाइन में दाही के अंक लिखे हुए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक उदाहरण आपके सामने दिया है कि सात और चार को जोड़ दिया तो सात और चार कितने हो गए ग्यारह हो गए ग्यारह का एक लिख दिया एक यहाँ हासिल में लग गया ठीक है ना हासिल वाली जोड़ कैसे करते हैं ये ग्यारह हो गए तो इधर का जो इकाई का अंक है इसको तो यहीं रहने देते हैं और ये दाही का अंक है इसको अगले अंक के ऊपर हसील लगा देते हैं जिस तरह से यहां एक लगाया हुआ आपको दिख रहा है तीन दो पांच और एक या हासिल वाला जुड़ के यहां छह हो गए तो इस तरह से फर्स्ट जोड़ हल हो गई थी अब आगे अपन ऐसे ही जोड़े हैं उनको हल करेंगे और किस तरह से हासिल वाली जोड़ आप कर सकते हैं उसको सीखेंगे तो चलिए अगला है छ और छह बारह कितने हो गए छ बारह बारह को इस तरह से लिखते हैं ठीक है लेकिन यहां पर जो एक है इसको अपन हासिल के रूप में यहाँ ऊपर चढ़ाएंगे ठीक है तो बारह का यहाँ लिख देंगे दो और यहाँ हासिल को चढ़ा देंगे अगला है दो और पाँच सात और एक हासिल जुड़ जाएगी कितना हो जाएगा भाई आठ हो जाएगा चलिए ऐसे ही अगली जोड़ को हल करते हैं इकाई के अंक से शुरू करेंगे चार और सात हो गई ग्यारह हासिल की लग गई एक सात एक आठ और एक हासिल वाला कितने हो गए नौ हो गए चलिए अगली जोड़ करते हैं छः और पाँच ग्यारह इसका भी एक हासिल लगेगा आठ और एक हो गए नौ चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरह की और जोड़ बाकी आई हुई है उसको कर देते हैं अगला है दो और नौ जुड़ गए ग्यारह हासिल की लग गई एक पाँच और एक छः छः और एक हासिल वाला सात अगली जोड़ को करते हैं सात और चार ग्यारह ग्यारह का एक हासिल की लग गई एक यहाँ पर और तीन और दो पाँच और एक हासिल वाला कितना हो गया भाई छः हो गया चलिए अगली जोड़ की तरफ बढ़ते हैं सात और पाँच बारह बारह का लग जाएगा दो एकाए का अंक और एक लग जाएगा दाही वाला अंक जोड़ में हासिल में छः और एक सात और एक हासिल वाला कितना हो गया भाई आठ हो गया ठीक है अगला है आठ और पाँच तेरह तेरह का ये तीन लिख दिया हासिल की लग गई एक तीन तीन छः और एक कितने हो गए भाई सात हो गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे ही घटाव आया उसको करते हैं वो थी हासिल वाली जोड़ अब है हासिल वाला घटाव यानी उधार वाला घटाव जिसको अपन कहते हैं तो चलिए सबसे पहले इधर भी इकाई से घटेगा जीरो में से जीरो गया पिछड़ रहा जीरो पाँच में से चार गया पीछे रह गया एक ठीक है आपको बाकी अच्छे से समझ में आ गई होगी बिना हासिल वाली बाकी ठीक है चलिए इकाई में से इकाई घटाते हैं जीरो में से जीरो घट गया पीछे रह गया जीरो छः में से दो कम कर दो पीछे कितने रह जाएंगे भाई चार रह जाएंगे जीरो में से जीरो है जीरो सात में से तीन गई पीछे क्या बच गया चार जीरो में से जीरो घट गया जीरो नौ में से दो घट गया पीछे रह गया सात तो इस तरह से आपको अपनी बाकी करते जाना यानी घटाव करते जाना है चलिए आगे अंतिम घटाव कर लेते हैं पाँच में से चार गया पीछे रह गया एक तीन में से एक गया पीछे रह गए दो तो पैंतीस में से चौदह घट गए पीछे कितने बचे इक्कीस बचे ऐसे इकाई और दहाई को अलग अलग घटाव करना होता है छः में से चार गए पीछे रह गए दो और पाँच में से दो गए पीछे रह गए तीन ठीक है तो छप्पन में से चौबीस घटने पर पीछे बत्तीस बचते हैं ये है बासठ में से इक्यावन को घटाना है दो में से एक घटेगा पीछे रहेगा एक छः में से पाँच घटेगा पीछे रहेगा एक बासठ में से इक्यावन घट गए पीछे रह गए ग्यारह चलिए पैंतालीस में से इक्कीस को घटाते हैं पाँच में से एक घटा पीछे रहा चार और चार में से दो घटा पीछे रहा दो यानी पैंतालीस में से इक्कीस घटने पर पीछे चौबीस बचते हैं तो यहाँ पर आपके जिस दिनांक को आप काम कर रहे हैं वो दिनांक लगा दें और यहाँ पर सर आपको चेक करने के बाद में साइन कर देंगे और यहाँ आपको रैंक दे देंगे स्टार वन मिलता है टू मिलता है या थ्री बढ़िया सही करोगे तो थ्री मिल जाएगा नहीं तो वन टू मिल जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर ये है कार्यपत्रक नंबर सत्रह इसमें अपन क्या सीखने वाले भाई संख्याओं का जोड़ और घटाव कर सकेंगे इसमें भी संख्याओं की जोड़ घटाव सीखेंगे लेकिन यहाँ थोड़ी सी जोड़ है वह बड़ी होगी और घटाव है वो भी थोड़ा अलग होगा तो चलिए इसमें अंक बड़े हैं ज़्यादा कोई भार नहीं है पहला सवाल है जोड़ कीजिए यानी यहाँ पर आपको योग करना है जोड़ करनी है तीन और पाँच हो गए आठ बिना सिल वाली जोड़ है आठ और एक हो गए नौ दो और तीन हो गए पाँच तो ये आ गया पाँच अगली जोड़ है दो और चार कितने हो गए भाई छः हो गए नौ और जीरो कितने हो गए नौ हो गए और यहाँ पर सात और दो भी कितने हो गए नौ हो गए ठीक है अगली जोड़ है पाँच और तीन कितने हो गए आठ छः और दो कितने हो गए आठ पाँच और एक कितने हो गए छः तो छः सौ अठासी यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा अगली जोड़ है वो भारतीय अंकों में है ठीक है तो इसको भी अपन कर देंगे ये लिखा हुआ है पहला है तीन आठ दो अगला है तीन पाँच आठ ठीक है तो अंक आपको समझ में आ जाना चाहिए भारतीय अंक है दो और आठ कितने हो गए दस हो गए दस का जीरो ले लो हासिल वाली एक यहाँ रख लो आठ और एक हासिल वाली नौ और पाँच ये चौदह हो गए चौदह का चार ऐसे लिखेंगे और हासिल वाली एक इधर लगा लेंगे एक और तीन तीन छः छः और एक कितने हो गए सात हो गए सात को ऐसे लिखते हैं ये हो जाएगा आपका सात सौ चालीस अगला देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सात तीन सात सात तीन सात दो पाँच आठ अगली लाइन में ठीक है तो सात और आठ को जोड़ना है सात और आठ हो गए पंद्रह पंद्रह का ये पाँच लिख दिया हासिल की लगा दीजिए यहाँ पे एक तीन और पाँच आठ और एक नौ हो गए तो नौ को ऐसे लिखते हैं भाई और सात और दो भी नौ हो गए तो नौ को ऐसे लिख दिया ठीक है ये हो गए नौ सौ पंचानवे अगली जोड़ करते हैं अंतिम जोड़ है ये है दो तीन पाँच और पाँच नौ छः तो पाँच और छ को जोड़ दो ग्यारह ग्यारह का एक हासिल की यहाँ पर एक तीन और नौ बारह और एक हासिल तेरह हो गए तेरह का ये तीन लिख दो हासिल की एक इधर लगा दीजिए और दो पाँच सात और एक ये आठ हो जाएंगे ठीक है तो आठ को इस तरह से लिखते हैं ठीक है तो ये हो गया आपके आठ सौ इकतीस तो इस तरह से ये पहला सवाल हल हुआ अगला सवाल है जोड़ ऐसे भी करें आपको इस तरह से भी जोड़ें करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा जोड़ ऐसे भी करें यानी इस तरह का सवाल आ जाए तो जोड़ कैसे करनी यहाँ देखिए आप इसको टुकड़ों में तोड़ करके आराम से समझाया गया है सबसे पहले यहाँ पर लिखा है सैंतालीस प्लस पैंतीस फिर लिख दिया पैंतीस के दो टुकड़े कर दिए तीस और पाँच ठीक है सैंतालीस तो वैसे के वैसे पढ़ें तीस और पाँच के दो टुकड़े कर दिए अब क्या किया आगे इन दोनों को जोड़ के यहाँ साथ में लिख दिया सतहत्तर सैंतालीस और तीस को क्योंकि जीरो आसानी से जुड़ जाएगा तीन चार सात हो गए सतहत्तर प्लस पाँच अलग से जोड़ दिए हो गए बयासी इस तरह से आपको इस जोड़ में बढ़ाना है देखिए छप्पन और अट्ठाईस तो छप्पन का छप्पन पड़ा है अट्ठाईस के दो टुकड़े कर दिए बीस और आठ अब अपन को क्या करना है यहाँ दोनों टुकड़ों को जोड़ना है तो छप्पन और बीस को जोड़ दीजिए कितने हो गए छिहत्तर और आठ आगे लिखे हुए पड़े अब पूरों को जोड़ दीजिए आठ छः चौदह का चौको हासिल की एक सात और एक हासिल वाला आठ चौरासी हो गए ठीक है ना इस तरह से इस जोड़ को भी करना है अड़तीस और छियालीस अड़तीस पड़े हैं छियालीस के दो टुकड़े कर लीजिए क्या चालीस प्लस छः लिखे हुए हैं चालीस और अड़तीस इटहत्तर हो गए तो यहाँ प्लस में क्या आ जाएगा छ आ जाएगा और इट्ठतर में छः जुड़ने पर चौरासी हो जाएंगे अगला अगला करके दिखाया हुआ है इसने कि इस बार आप अलग तरीके से भी टुकड़े कर सकते हैं तो चलिए इसके टुकड़े कैसे हैं इन दोनों को समझ लेते हैं चौथे और पाँचवें सवाल को भी चौथा कह रहा है क्षेत्र प्लस पचपन है क्षेत्र तो रहेंगे लेकिन पचपन के दो टुकड़े करेंगे क्या करेंगे चार और इक्यावन का टुकड़ा किया है ठीक है फिर चार जोड़ने से ये पूरे हो गए अस्सी और इक्यावन अलग हो गए फिर एक सौ इकतीस हो गए यानी अपने को क्या करना है इसको निकटतम दस के मान में ले जाना है तो यहाँ पर सितयासी की सितयासी पड़े हैं उनतीस के दो टुकड़े करेंगे सितयासी के साथ में कितने कम पड़ रहे हैं नब्बे में से तीन और यहाँ छब्बीस अलग हो गए तो सत्यासी और तीन यहाँ पर आगे नब्बे यहाँ आगे लिख देंगे अपन छब्बीस और दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भाई एक ठीक है इस तरह से आपको इन सवालों को हल करना है चलिए अंतिम सवाल देखते हैं तीसरा आज के कार्यपत्रक का निम्नलिखित सवालों को हल कीजिए यहाँ पर इकाई और दाई लिखा हुआ है बाकी का निशान लगाया हुआ माइनस का मतलब घटाना है पाँच में से जीरो गया पीछे रहा पाँच दो में से एक गया पीछे रहा एक यानी पच्चीस में से दस घटे पंद्रह रह गए तो ऐसे ही सात में से सात घटाओ पीछे रह गया जीरो चार में से दो घटाओ पीछे रह गया दो यानी सैंतालीस में से सत्ताईस पर पीछे बीस बचेंगे अगला आठ में से दो घटाए पीछे रह गए छः पाँच में से तीन घटाए पीछे रह गए दो यानी अट्ठावन में से बत्तीस घट गए पीछे रह गए छब्बीस चलिए ऐसे ही चौथे सवाल को हल करते हैं आठ में से आठ गए पीछे रहे जीरो इन अंकों के लिए आप दस तक गिनती जरूर सीख लें भाई चार में से दो घट गए पीछे रह गए दो और यहाँ पर आपका आंसर आ गया वो आ गया अड़तालीस में से अट्ठाइस गए पीछे पिछड़े बीस यहाँ नौ नौ में से चार घटेंगे पीछे रहेंगे पाँच और सात में से दो घटेंगे यहाँ भी पीछे रहेंगे पाँच यानी यहाँ पर सेवेंटी नाइन उन्यासी में से चौबीस गए पीछे रहे पचपन यहाँ देखते हैं नौ में से नौ घटाएँ हैं पीछे रहे जीरो आठ में से पाँच घटेगा पीछे रहेगा तीन यानी यहाँ पर आपको एटी नाइन नवासी में से फिफ्टी नाइन उनसाठ घटाने पीछे तीस बचेंगे तो इस तरह से आपका ये कार्यपत्रक नंबर हो जाएगा सत्रह और आज की क्लास में इतना ही नेक्स्ट कार्यपत्रक अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे आपको सभी तरह के कार्यपत्रक कक्षा तीन से लेकर आठ तक के हल किए हुए मिलेंगे धन्यवाद